Wishing all my dear swaggers Merry Christmas. हेलो स्वैगर्स एंड वेलकम टू लेट्स ट्राई आउट। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 एंड आज है 24th दिसंबर की नाइट, यानी कि रात के 12 बजे इट्स 25th दिसंबर विच इज क्रिसमस। तो मैं अभी हूँ न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में एंड मैं यहाँ पे आई हूँ न्यूयॉर्क का क्रिसमस नाइट देखने। सो गाइस मैंने ऐसा कोई प्लानिंग तो की नहीं है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, बस मुझे इतना पता है कि न्यूयॉर्क है एंड क्रिसमस की नाइट है तो धमाकेदार लाइटिंग होगी, सेलिब्रेशंस होंगे, बस उसी को मैं एंजॉय करने यहाँ पे आई हूँ। तो गाइस आज फर्स्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क में नाइट आउट करने वाली हूँ, वो भी क्रिसमस के नाइट को। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमको। सो लेट्स गो। रॉकफेलर सेंटर मेरे पीछे एंड उसका जो क्रिसमस ट्री है ये पूरे न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा सबसे ह्यूज क्रिसमस ट्री है एंड अभी मैं वही देखने वाली हूँ। तो गाइस न्यूयॉर्क में नाइट आउट करूं और टाइम स्क्वायर ना जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सांता क्लॉस को चेस खेलते देख रही हूं। होटल रूम में वापस आई हूँ एंड अभी रात के 1:10 हो चुके हैं। मेरा तो एक्चुअली प्लान था कि और भी लेट तक घूमूंगी, लाइक रात के 2-3 तक घूमूंगी, लेकिन बाहर आज इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड है कि मुझे लग रही थी कि मेरी कुल्फी बन जाएगी जम के।
एंड ऊपर से मैं ग्लव्स ले जाना भूल गई थी तो मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर कमरे में अभी रेस्ट करूंगी एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ फिर से लाइक आधे घंटे एक घंटे बाद मैं शायद फिर से बाहर जाऊं। तो गाइस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग स्वैगर्स। तो अभी अभी सुबह हुई है और मैं अभी अभी उठी हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं एंड कल रात को मैंने कहा तो था कि मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन वो ब्रेक थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया। मैंने सच में सोचा था कि मैं रात को फिर से निकलूंगी घूमने, लेकिन मैं इतना ज्यादा टायर्ड थी गाइस कि मैं मेकअप लगा के ही सो गई। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं कितना टायर्ड थी। एंड गाइस मैं अभी फ्रेश होके नीचे जाऊंगी। नीचे यहाँ एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है एंड आई थिंक वहाँ पे ब्रेकफास्ट बफे भी है, तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे लाइक ब्रेकफास्ट करूंगी। एंड यहाँ नीचे होटल के लॉबी में इन लोगों ने 2-3 क्रिसमस ट्री सजाया है, तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि वो भी देखूँ। एंड गाइस कल रात को मैंने इस रूम का एक वीडियो भी लिया था, तो मैं अभी पहले आपको वो दिखाती हूँ, आप देखो, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो गाइस रूम में घुसते ही आपके एक हैंड साइड पे है एक फोटो एंड उसके ऑपोजिट साइड में है एक क्लोजेट एंड उसी क्लोजेट के बाजू में एक और क्लोजेट है जिसके अंदर है 2 ग्लास, एक लॉकर और एक मिनी फ्रीज। एंड क्लोजेट्स के बाजू में है एक छोटा सा वर्क टेबल एंड एक चेयर। इसके पास ही एक मिरर है वॉल हैंगिंग एंड उसके पास है एक लैम्प। एंड इसके ठीक सामने ही गाइस एक क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक ऑन द टेबल। एंड ये रहा बेड, तो ये बेड एक क्वीन साइज का बेड है एंड बेड के ठीक सामने है विंडो। एंड गाइस विंडो का व्यू बहुत ही अच्छा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आई नो बहुत लोगों को ग्रीनरी वाला व्यू ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ना न्यूयॉर्क में नाइट व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड इसीलिए ये व्यू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो बेड के एक साइड पे तो है विंडो एंड बेड के ठीक सामने है एक छोटा सा टीवी एंड टीवी के ठीक बाजू में ही है वॉशरूम। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो चलो चलते हैं। गाइज आप देख ही सकते हो कि होटल के अंदर भी काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो गाइस अब बारी है घर वापस जाने की, सो आई एम ऑन माय वे बैक होम। सो गाइस मैं अभी 1 घंटा पहले ही घर पहुंची हूँ एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4:45। तो क्रिसमस पहली बार न्यूयॉर्क में घूम के मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।